नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के पीसीएस के बैच में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा पीसीएस का और पीसीएस प्री कम मेंस का बैच रन हो रहा है, उसमें रेगुलर जीएस की आपकी क्लासेज आ रही हैं, मेंस की भी क्लासेज आ रही हैं। तो हमारी संस्था के द्वारा ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को लेकर उन सभी लोगों के लिए भी किया जाता है जो हमारे बैच से नहीं जुड़ पाए हैं या जो असमर्थ हैं। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक आज उठाया है, मैसूर राज। और मैसूर राज थोड़ा हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आया, लेकिन मैसूर राज जैसे अगर मैं नाम लूँ, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये से जो छोटा सा टॉपिक है मयूर राज, लेकिन यहाँ से अक्सर कोई ना कोई सवाल बन जाता है। इवन जो हमने 50 कदम कराया था वहां पर भी यहाँ से सवाल दिया था आपको। तो आप पेपर्स भी देखेंगे, जैसे पूछ लेता है कि मैंगलोर की संधि किसके किसके बीच में हुई, तो मकाटनी और टीपू सुल्तान के बीच में। फिर आपसे पूछ लेता है कि मद्रास की संधि कब हुई, या कभी कभार कूट में पूछ लेता है, या मिलाप में, मतलब मैच द फॉलोइंग्स में ये सवाल पूछ लेते हैं। है तो टॉपिक छोटा लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक है, यहां से हर साल एक ना एक सवाल आ ही जाता है, कभी नहीं आता है तो बैड लक है, लेकिन जो मैसूर है वहां से युद्ध आता ही आता है, सवाल एकदम आते हैं। इसीलिए ऐसा मेरी संस्था के दौर और मैंने ऐसे सोचा कि जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, तो इनके मैं छोटे छोटे वीडियोज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज, ये मैं आप लोगों के लिए प्रमोशन या पब्लिक में आपको करवा दूंगा ताकि आप लोग पढ़ लीजिए। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को कमेंट्स देखा, उन्होंने कहा कि सर मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं या जुड़ नहीं पा रही हूं, सर प्लीज आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा ये सब पढ़ा दीजिए। तो बस उनकी बातों को देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो हमारी संस्था में हमारे बैच से जुड़े हम सिर्फ उनका ध्यान देते हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी हम ध्यान देते हैं, हम उनके प्रति भी सीरियस रहते हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं, एक उनके रिप्लाई को पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध रहेगा, लेकिन उसमें शुरुआत में करूंगा मैसूर राज से, क्योंकि मैसूर राज आया कहां से ये भी तो जरूरी है। जैसे तालीकोटा के युद्ध के बाद से मैसूर राज की शुरुआत हुई, वो सारी चीजें आज आपको पढ़ाई जाएंगी। और अगर देखिए भारत स्वतंत्र है तो इसीलिए ये चीज होती है अगर करके, यहां पे एक शब्द आता है। अगर आप हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच का हिस्सेदार बनना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनका आप कमेंट्स देखेंगे वो तारीफ करते हैं सबकी, ये उनकी मेहनत है, उनका तहे दिल है, हम लोग तो बस केवल समर्थन करते हैं। बैचेस हमारी रेगुलर चलती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं और सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं लोगों को, जो न्यू कमर्स हैं उनको, जो ओल्ड हो गए उनको भी। तो हमारे बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि सब सर लोग बताएं मैं भी वही चीज बताऊंगा कि नॉर्मली आपको क्या लिखना है, एंट्री लिखना है, ठीक है। एंट्री लिखकर यूपी पीसीएस प्री कम मेंस, ये आपके बोर्ड पर है, यूपी पीसीएस प्री कम मेंस, और आपको मैसेज कर दे रहा है 9918000454 पर। आप इस पे मैसेज करेंगे, हमारी संस्था के द्वारा आपको जोड़ दिया जाएगा और फिर आप हमारे बैच के हिस्सेदार बन जाएंगे और अपनी क्लासेस आप रेगुलर लेते रहेंगे। तो आज की जो हमारी शुरुआत होगी वो मैसूर राज से होगी, उसका जो अंत होगा वो टीपू सुल्तान की मृत्यु से होगा। इस वीडियो को आप जरूर दोस्त देखिएगा, भले ये आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो, लेकिन आप जान जाएंगे कि इस वीडियो से वाकई में चुनिंदा सवाल किस प्रकार आते हैं। और इनके नोट्स आप बना लीजिएगा कि जैसे मद्रास की संधि कब हुई, ठीक है, हैदर अली के साथ, मंगलोर की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, किस युद्ध में स्वयं गवर्नर जनरल ने नेतृत्व किया, जैसे कॉर्नवालिस ने किया था जब श्रीरंगपट्टनम संधि हुई, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कहा था मकाटनी के बारे में कि मकाटनी कैसा आदमी है, इस संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। उसके बाद टीपू सुल्तान फ्रेंच के फ्रांसीसी नागरिक बन गए थे और उन्होंने किस क्लब को ज्वाइन किया था, तमाम सारी बातें आज की इस छोटी सी क्लास में आपको मिलेगी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। और हम आइए आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं, और उस क्लास की शुरुआत किससे करेंगे, मैसूर राज से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, जो पढ़े लिखे होंगे मैं जानता हूं, या कुछ ऐसे कुछ लोग अपवाद होते हैं जिनका काम ही है कि दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना, उल्टे सीधे कमेंट करना, कोई बात नहीं, उनके कमेंट्स को भी हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि चलिए जहां पर बुराई है वहां पर अच्छा ही है, मतलब अगर मैं अच्छा हूं तभी तो लोग बुराई कर रहे हैं। खैर, ये कहने की बातें हैं, अच्छे आप लोग हैं, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं मैसूर राज से। या इसकी हेडिंग दे देते हैं मैसूर, सीधा सीधा हेडिंग क्या दे देते हैं इसका, मैसूर। मैसूर के अंदर ही तो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। और देखिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लग गए होंगे, तैयारी में लगे रहिए। मई में एग्जाम है आरओ का, मार्च में है आपका खंड शिक्षा अधिकारी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जून में आईएएस और पीसीएस है,
तो लगातार आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए तैयारी को बनाए रखिए, ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, चीजों जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पढ़िए। पर हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, इंसान वो बड़ा नहीं होता है जो हमेशा पढ़ता है, इंसान वो बड़ा होता है जो हमेशा समझता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ, पहले आपको डिस्क्रिप्शंस बता देते हैं फिर बताते हैं। 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, ये आप जानते हैं, मैंने प्रश्न में भी दिया था। तो तालिकोटा युद्ध के बाद क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया। अब जब छिन्न भिन्न हो गया तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। यही हुआ कि वेंकट द्वितीय ने वडियार वंश की स्थापना की। किस वंश की, किसने, वेंकट द्वितीय ने, वेंकट द्वितीय ने वडियार वंश की स्थापना की। तो वडियार वंश की वेंकट द्वितीय ने स्थापना की और 18वीं शताब्दी में इसका राजा था चिक्का कृष्णराज। क्या हुआ था कि 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने मैसूर में किस वंश की स्थापना की, वडियार वंश की, और 18वीं शताब्दी में इसका राजा था चिक्का कृष्णराज। कौन था, चिक्का कृष्णराज। देखिए मैं आपको केवल पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि हैदर अली कैसे राजा बनेगा, एकदम नॉर्मल वे में चलिए। लेकिन चिक्का कृष्णराज के शासन काल में जो वास्तविक शक्ति थी वो इसके दो सोना सेनापतियों के साथ थी। वो कौन कौन थे, नेंजराज थे और देवराज थे। कौन कौन, नेंजराज और देवराज थे। तो कहा जाए कि तालिकोटा के युद्ध, समझिएगा, कहा जाए तो तालिकोटा के युद्ध के बाद क्या हुआ, 1612 में वेंकट द्वितीय ने मैसूर में वडियार वंश की स्थापना की और 18वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि यहां का राजा था चिक्का कृष्ण राज और लेकिन वास्तविक शक्ति थी नेंजराज और देवराज के अंडर में। और इसी के समय किसका उदय हुआ, हैदर अली का। हुआ क्या कि हैदर अली का जो जन्म था वो कोलार, कोलार में हुआ था जो कि कर्नाटक में है। हैदर अली का जन्म कहां हुआ था, कोलार में, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में। और इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। लेकिन क्या है, ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था। कौन, हैदर अली, समझिए। तो क्या आ गया टॉपिक हमारा, वो टॉपिक क्या आ गया हमारा, हैदर अली। हैदर अली के बारे में मैंने क्या कहा कि जो हैदर अली था इसका जन्म कहां हुआ, कर्नाटक के कोलार में। जन्म कहां हो रहा है इसका, कर्नाटक के कोलार में। और इसके पिता का नाम क्या था, फतेह मोहम्मद नाम था इसके पिता का नाम। क्या नाम था, फतेह मोहम्मद। तो हैदर अली जो था ये नेंजराज की सेना में था और ये एक योग्य व्यक्ति था। देखिए योग्यता के आधार पर कभी कभार क्या होता है कि किसी का न किसी का प्रमोशन कर दिया जाता है। तो नेंजराज ने इसको क्या किया, देखिए समझिए, हैदर अली जो था ये एक योग्य व्यक्ति था तो नेंजराज ने इसे क्या किया कि इसे 1755 में डिंडीगुल, ठीक, डिंडीगुल है दक्षिण भारत में, वहां का इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया या फौजदारी दे दी, जो भी समझिए। कहां का, डिंडीगुल का। किसने दिया, नेंजराज ने। नेंजराज कौन था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नेंजराज कौन था, कौन था नेंजराज, चिक्का कृष्णराज का सेनापति था और चिक्का कृष्णराज के ही शासन काल में पूरी शक्तियां किसके हाथ में थी, नेंजराज और देवराज के हाथ में। तो मैंने क्या कहा कि नेंजराज ने 1755 में डिंडीगुल का फौजदार या सूबेदार नियुक्त कर दिया, किसको, हैदर अली को। क्योंकि हैदर अली योग्य तो था ही, उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था। देखिए दोस्त, जब तक आपकी लाइफ में महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा तब तक आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह नहीं हो सकती है। यही कारण था कि अपनी निर्षरता को दूर करने के लिए, समझिएगा, अपनी निच्छरता को दूर करने के लिए इसने
खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। किसको? खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना एक सलाहकार नियुक्त किया। और इसने यही नहीं, इसने फ्रांसीसियों की सहायता से, यह भी आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ इसमें यह भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हैदर अली जो था वो अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु फ्रांसीसियों की तरफ ज्यादा आकर्षित था। और यही नहीं, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। शस्त्रागार मतलब जहां पर अस्त्र शस्त्र बनते थे। अब पूरी बात एकदम लॉजिकली क्लियर होने लगी कि भाई ये तो फौजदार या सूबेदार बना डिंडीगुल का, लेकिन चूंकि ये महत्वाकांक्षी था और अपनी महत्वाकांक्षा इसकी किस चीज की हो सकती है? गद्दी के लिए हो सकती है। और गद्दी के लिए महत्वाकांक्षा कहने का मतलब आप समझ जाइए, इसे कोई ना कोई भाई रणनीति खेलनी पड़ेगी। और रणनीति की शुरुआत यहीं से हो जाती है कि जब इसने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया और उसके साथ साथ फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बस्ती की स्थापना की। जब इसकी शक्ति मजबूत होने लगी तो इसने कुछ समय बाद नेंज राय को, मतलब मैसूर पर आक्रमण करके नेंज राय को बंदी बना लिया और नेंज राज के संरक्षक के रूप में शासन करने लगा। और कुछ समय बाद 1761 में हैदर अली खुद को कहां का राजा बना देता है? मैसूर का राजा। तो इसीलिए जो हैदर अली का टाइम पीरियड मिलता है वो कब से मिलता है? 1761 से 1782 तक मिलता है। तो हमने क्या कहा अभी तक? हैदर अली कोई राजा का बेटा नहीं था, ये था एक नॉर्मल फतेह मोहम्मद का बेटा। और ये क्या था कि नेंजराज की सेना में था और इसकी योग्यता देखकर नेंजराज काफी प्रभावित हुए, इसीलिए इसको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिए। और ये धीरे धीरे उसका फायदा उठाते हुए इसने अपनी निच्छरता को दूर करने के लिए एक ब्राह्मण खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और उसके साथ साथ समझ जाएगा, और उसके साथ साथ इसने क्या किया? फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। और जब इसकी शक्ति मजबूत होने लगी तो इसने नेंजराज को बंदी बनाकर कुछ समय तक उसके संरक्षक के रूप में शासन किया और फिर 1761 में खुद को मैसूर का राजा बना देता है। अब मेरी बात समझिए, डेट को कंपेयर करिए। देखिए, मैं क्यों आंग्ल मैसूर युद्ध पहले नहीं पढ़ाता हूं, इसका रीजन है क्योंकि यूरोपियों के आगमन में आप जानते हैं 1746 से लेकर 1765 तक एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था। 1761 में वांडीवास का, सॉरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। और कर्नाटक, और जो एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था उसमें कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के ज्यादातर युद्ध हुए रहे थे, जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है। अब हमारे दोस्तों की यह बात समझ में आ रही होगी कि सर ने आंग्ल मैसूर पहले क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि पहले आपका बैकग्राउंड क्लियर करना था। तो क्या था कि दक्षिण भारत में हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, वो आपस में लड़ रहे थे। और पानीपत का जो युद्ध हुआ तीसरा 1761 में, उसकी वजह से मराठा की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। और इसी का फायदा उठाकर हैदर अली अपने साम्राज्य का क्या करने लगा? विस्तार करने लगा। और इसके साम्राज्य विस्तार को देखकर जो हैदराबाद के निजाम थे और कौन, मराठा थे और अंग्रेज, हैदर अली से काफी जलने लगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद 1764 ईस्वी में पेशवा माधव राव ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। कब? 1764 में। समझिएगा बात को, अब कहानी अब एकदम पृष्ठभूमि बन रही है आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1764 में पेशवा माधव राव ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। भाई इसकी शक्ति बढ़ती हुई चली जा रही थी। और आप पानीपत पिक्चर देखे होंगे तो संपूर्ण भारत पर मराठों का अधिकार होता जा रहा था, जो चौथ वगैरह लेते थे, लेकिन हैदर अली भी तो अपने आप को, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। और इसका सबसे अच्छा फायदा भारत की आंतरिक कला इसे दे रही थी। और जब मराठा हुए,
उसके बाद हैदराबाद के निजाम हुए अंग्रेज, जब इनको ईर्ष्या होने लगी तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कर दिए पेशवा माधवराव जी ने। इन्होंने क्या किया, हैदर अली पर आक्रमण किया और हैदर अली हार गया। इसके बदले में हैदर अली को कुछ राज देने पड़े और 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर देने की बात हो गई। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि अंग्रेज निजाम और पेशवा या मराठा, इनकी सम्मिलित सेना ने यह सोचा कि हैदर अली पर आक्रमण करें, लेकिन हैदर अली ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या किया कि हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया और सिर्फ अब इसके एक ही प्रतिद्वंदी बचे, वो कौन थे, अंग्रेज। और इसी ने पहले स्टेज का कदम हुआ जो हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कुछ कारण थे। कारण देखिए, कोई खास कारण नहीं थे इस समय। कारण क्या थे, मेरी बात समझिएगा। हुआ क्या था कि भाई अंग्रेज लोग जो थे वो भी अपनी सेना का विस्तार करना चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हैदर अली भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेज लोग अंदर ही अंदर हैदर अली के प्रति संघर्ष करने का प्लान बना रहे थे, जो कि हैदर अली से सहा नहीं जा रहा था। इसके साथ साथ क्या था कि जो हैदर अली था वो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों के प्रति आकर्षित था। लेकिन जो चौथा तात्कालिक कारण बना, 1767 में इसने हैदर अली ने एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया। बेड़ा आया था, जहाजों का बेड़ा आया था। तो 1767 ईस्वी में क्या किया कि हैदर अली ने अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज लोग अब गुस्सा हो गए। अब तो युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, अब तो युद्ध होना ही होना है। अंग्रेजी बेड़े को नष्ट करने के कारण ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो हुआ क्या, जो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे इसमें सर जनरल स्मिथ। कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ कर रहे थे। और किसके साथ हो रहा था यह युद्ध? हैदर अली के साथ। पहले फेज में क्या हुआ, स्मिथ ने चंगामा और त्रिनोमली, चंगामा और त्रिनोमली पर कब्जा कर लिया। भाई स्मिथ यहां जीत गए। ये दो ऐसे छोटे छोटे प्रांत थे, राज थे मैसूर के। तो स्मिथ ने जब अंग्रेजी सेना के साथ आक्रमण किया तो उन्होंने चंगामा और त्रिनोमली को जीत लिया। लेकिन हैदर अली ने क्या किया, इसने चारों तरफ से घेर कर, समझिएगा, इसने चारों तरफ से घेर कर मंगलौर पर अधिकार कर लिया। किस पर? मंगलौर पर। उसके बाद इसने तीन तरफ से मद्रास पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेजी सेना पराजित होती है। और यही नहीं, कहा जाता है कि उनको काफी धन की हानि भी हुई, बहुत ज्यादा उनको क्षति पहुंची, जिसके बाद अंग्रेजों ने मजबूर होकर 1769 में मद्रास की संधि कर ली। किसके साथ? हैदर अली के साथ। अब एकदम लॉजिकली समझिएगा, तो मतलब क्या हुआ कि हैदर अली की जो बढ़ती ताकत थी उसको देखकर लोग इससे जलने लगे थे। भाई यही रीजन था मराठों का आक्रमण हुआ। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि इसने अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जनरल स्मिथ ने अंग्रेजी सेना के साथ आक्रमण किया। और जनरल स्मिथ को पहले चंगामा और त्रिनोमली में सफलता मिली, लेकिन बाद में हैदर अली क्या किया, इसने चारों तरफ से घेर कर मंगलोर पर कब्जा कर लिया और तीन तरफ से इसने मद्रास पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। और जिसके बाद अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 में किस चीज की संधि की? मद्रास की संधि। तो जो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है वो किस संधि से होता है? मद्रास की संधि से होता है। कब हुआ? 1769 में। मद्रास संधि के तहत यह कहा गया कि दोनों एक दूसरे को उनके विजित प्रदेश वापस कर देंगे।
मतलब दोनों ने जो एक दूसरे के प्रदेश को जीता है दोनों एक दूसरे को वापस कर देंगे। और उसके साथ साथ हमेशा आगे कभी भी हैदर अली को उनकी आवश्यकता हुई अर्थात अंग्रेजों की, तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे, और अगर अंग्रेजों को हैदर अली की आवश्यकता हुई तो हैदर अली अंग्रेजों की सहायता करेगा। लेकिन अंग्रेज जो थे वो अपनी संधि के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, वो कभी भी नहीं रहते थे। यही कारण है कि माधवराव पेशवा ने एक बार फिर हैदर अली पर आक्रमण किया जिसमें अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। और जब अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की तो जिसकी वजह से हैदर अली जो था वो काफी ही ज्यादा क्रुद्ध, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, किससे? अंग्रेजों से। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि बनना तैयार हो गई। हमने क्या कहा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने संधि का उल्लंघन किया, किसने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन किया क्योंकि पेशवा माधवराव ने हैदर अली पे दोबारा आक्रमण किया था, और जिसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, इसीलिए जो हैदर अली था वो अंग्रेजों से काफी क्रोधित हो गया, जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किससे हो गया? 1769 मद्रास की संधि से। इसके बाद क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था समझने का प्रयास करिएगा। पहला कारण तो यह था कि अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन किया, ठीक। पहला कारण क्या था? संधि का उल्लंघन। पहला था संधि का उल्लंघन। दूसरा क्या था? दूसरा यह था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों माहे पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी बस्ती थी माहे। दूसरा जो कारण था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती माहे पर कब्जा कर लिया जो कि मैसूर के अंतर्गत आता था। जब हैदर अली ने माहे को छोड़ने को कहा तो अंग्रेजों ने माहे छोड़ने से मना कर दिया। ये था दो खास कारण, लेकिन एक और कारण था। तीसरा कारण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1779 में हैदर अली ने, किसने? हैदर अली ने त्रिगुट संघ की स्थापना की थी। किसकी? त्रिगुट संघ की स्थापना की थी। इस त्रिगुट संघ में तीन लोग थे। कौन कौन? हैदर अली, मराठा और हैदराबाद के निजाम थे। बात क्या था कि हैदराबाद के जो निजाम थे ये भी जो थे अंग्रेजों से रुष्ट चल रहे थे, गुस्सा थे, और जो मराठा थे, मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि हैदर अली और जो टीपू सुल्तान हारे वो अपनी कमी से नहीं हारे और ना ही अंग्रेजों की शक्ति से हारे। इनके पास इतनी सेना थी कि अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे, लेकिन जो भारतीय यांत्रिक कला थी वो इनके पराजय का कारण बनी। कभी ये खुद इस पर आक्रमण कर देते, कभी ये इसके साथ संधि कर लेते। अब यहां पर भी धोखा मिलेगा हैदर अली को, यहां पर भी मिलेगा, समझिएगा, जैसे पानीपत के युद्ध में होता है यहां भी मिलेगा। तो 1789 में हैदर अली ने त्रिगुट संघ की स्थापना की, जिसको लेकर जो इस संघ से क्या हुआ कि हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा निकाला, और संयुक्त मोर्चा निकाला और उसने क्या किया, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों ने दो सेनाएं भेजी, एक भेजा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मद्रास से, और एक भेजा बेली के नेतृत्व में, जॉर्ज बेली के नेतृत्व में। तो क्या हुआ कि ये त्रिगुट संघ जब बना तो इन लोगों ने संयुक्त मोर्चा निकालकर 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब पर कब्जा कर दिया। कब? 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया, और कर्नाटक का जो नवाब था ये भागकर अंग्रेजों के पास चला गया। और जब ये भागकर अंग्रेजों के पास गया तो अंग्रेजों ने अपनी दो सेना भेजी, समझिए, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, समझिएगा, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मद्रास से और बेली के नेतृत्व से गुंटूर से।
ये सेनाएं अंग्रेजों ने भेजी हैदर अली को पराजित करने के लिए। हैदर अली ने क्या किया कि बेली को पराजित कर दिया। किसको? बेली को। और जब बेली को पराजित किया तो हेक्टर मुर्रो अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। लेकिन इसी के बीच में क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निजाम को गुंटूर प्रदेश दे दिया। कूटनीति देखिए, इन्होंने मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निजाम को गुंटूर का प्रदेश दे दिया, जिसकी वजह से त्रिगुट संघ नष्ट हो गया। मराठा और जो निजाम थे वो हैदर अली का समर्थन करना छोड़ दिए। इसके बाद जब उसने, वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली की शक्ति को कमजोर देखा तो उसने आयरकूट के नेतृत्व में हैदर अली पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि निजाम और मराठों को अलग करने के बाद आयरकूट के नेतृत्व में हैदर अली के खिलाफ मोर्चा भेजा। और आयरकूट ने क्या किया, हैदर अली को पोर्टोनोवा और पीलीलोर के युद्ध में पराजित कर दिया। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा और पीलीलोर के युद्ध में पराजित किया। युद्ध चल ही रहा था, उसी बीच में क्या हुआ कि 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और जब हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसी के कुछ समय बाद किसकी मृत्यु हो गई? आयरकूट। जिसके बाद इस युद्ध का नेतृत्व हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने किया। किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान क्या हुआ कि जब मालाबार तट की तरफ बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने कोयंबटूर पर कब्जा कर लिया। हुआ क्या कि जब टीपू सुल्तान मालाबार तट की तरफ बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने 1783 में पाल घाट और कोयंबटूर पर कब्जा कर लिया। इस पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने। क्योंकि टीपू सुल्तान क्या था, यह अपनी सेना के साथ मालाबार की तरफ बढ़ रहा था। आखिरी में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को मैकार्टनी के साथ संधि करनी पड़ी। और 1784 में जो संधि हुई वो कौन सी संधि थी? मंगलौर की संधि थी। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। भाई अब क्या कर सकते हैं, यहां पर पालघाट और कोयंबटूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और वो मद्रास और मैसूर पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो मजबूरन टीपू सुल्तान को क्या हुआ, संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत वही हुआ कि विजित प्रदेश जो थे वो दोनों ने एक दूसरे को वापस दे दिया और एक दूसरे की सहायता करने के लिए वादा कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग ने इसी मैकार्टनी के लिए कहा है कि मैकार्टनी कैसा इंसान है, ये संधि के बावजूद भी देखिएगा कर्नाटक खो देगा। क्योंकि इस संधि से टीपू सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी वो काफी बढ़ी और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई। और जब अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करना ही चाहते थे जिसकी वजह से वो टीपू सुल्तान पर आक्रमण करें। यही रीजन है कि जो आंग्ल मैसूर का फिर तीसरा युद्ध हुआ 1790 और 1792 बीच में। लेकिन आंग्ल मैसूर के दूसरे युद्ध का जो अंत हुआ वो किस संधि से हुआ? एकदम सही, मंगलौर की संधि से। कब हो रहा है? 1784 में, टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के बीच में। तो अगला जो था वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था समझिएगा। हुआ क्या था कि ट्रेनकोबार था, मैंने आपको बताया होगा बच्चों को अपने क्लास में कि डेनिस की व्यापारी कोठी थी। ट्रेनकोबार के जो राजा थे उन्होंने डच से 2 प्रांत खरीदा था और टीपू का कहना था वो दोनों प्रांत मैसूर में आते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं था खरीदने का।
और ट्रेंकोबार जो था वो अंग्रेजों के उस नेतृत्व में था, मतलब अंग्रेजों की सीमा में था। यही कारण है कि जब टीपू सुल्तान ने ट्रेंकोबार के राजा को वो दोनों विजित राज्य वापस करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। और इसके साथ साथ ट्रेंकोबार के राजा ने मैसूर के कुछ अपराधियों को संरक्षण दे के रखा था, जिसके कारण 1789 में 1789 में टीपू सुल्तान ने ट्रेंकोबार पर आक्रमण कर दिया और ट्रेंकोबार का राजा भागकर अंग्रेजों के पास चला गया। तो इस समय भारत का वायसराय था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने मिडोस के नेतृत्व में एक सेना भेजी और टीपू सुल्तान ने क्या किया, मिडोस को पराजित कर दिया। इसके बाद कॉर्नवालिस ने खुद अपनी सेना दल का नेतृत्व किया और अपनी सेना दल का जब वो नेतृत्व किया तो उसी समय उसने एक मैत्रीपूर्ण संधि कर ली मराठों निजाम के साथ और ये दोनों ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने की बात कह दी थी। 1791 में क्या हुआ कि कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ। मेरी बात समझिए, श्रीरंगपट्टनम की तरफ जो वो बढ़ा तो 1791 में क्या हुआ, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कॉर्नवालिस जीत गया लेकिन सामान का अभाव होने के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। कुछ समय बाद वो फिर 1791 में क्या हुआ कि देवली और बालीपुर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 1791 में देवली और बालीपुर दुर्ग पर किसने कब्जा कर लिया, कॉर्नवालिस ने। और इसके जब कॉर्नवालिस ने इस पर कब्जा किया तो उसके बाद वो सीधा श्रीरंगपट्टनम के कुछ बाहरी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने लगा। और जब वो बाहरी क्षेत्रों पर अधिकार करने लगा तो टीपू सुल्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। किसकी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य कॉर्नवालिस को देना पड़ा। अच्छा, मराठा निजाम ने इस शर्त पर कॉर्नवालिस की सहायता की थी कि जो भी आएगा वो तीनों में ही बटेगा एक तिहाई हिस्सा। तो इस संधि के तहत टीपू को 3 करोड़ रुपए और अपना आधा साम्राज्य किसको देना पड़ा, कॉर्नवालिस को। जब तक टीपू पैसा नहीं देता तब तक टीपू के पुत्र अब्दुल खलीफ मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के पास गिरवी अर्थात बंदी बनाकर रख दिया गया। और हुआ क्या, आधा साम्राज्य का बंटवारा 3 भागों में हुआ। धारवाड़ किसको मिल गया, मराठों को। 12 महल कुर्ग, अगर देखा जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद से ही क्या हुआ, टीपू सुल्तान की शक्ति पूरी की पूरी कमजोर हो गई। क्योंकि भाई आधा साम्राज्य देना पड़ा, 3 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है, अगर वो रुपए नहीं देगा तो उसके अब्दुल खलीफ और मुइजुद्दीन को बंदी बना लिया जाएगा, बंदी बनाए गए थे। धारवाड़ मराठों को मिल गया, कड़प्पा से कुन्नूल तक निजाम को मिल गया, 12 महल कुर्ग मालाबाट और डिंडीगुल किसको मिल गया, अंग्रेजों को। तो अब तो कहा जाए तो फिर भाई खत्म है आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन जो साम्राज्यवादी होता है, जो अपने साम्राज्य के विस्तार के प्रति निष्ठावान होता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता है। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बहुत ही घृणा करता था, ये बात फैक्ट है। कभी भी वो नहीं चाहता था कि उसके देश पर अंग्रेजों का अधिकार, जिसके लिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ।
कब हुआ? 1799 को। उसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अपनी सेनाओं को फिर से संगठित करना चालू किया। सेनाओं के संगठन के साथ साथ इसने और एक काम किया, इसने अपने कुछ राजदूत बाहर भेजे अपनी सहायता के लिए। अरब भेजा, फारस भेजा, मॉरिशस भेजा, काबुल भेजा। ठीक, कहां कहां भेजा? काबुल, अरब, फारस और मॉरिशस। इसने अपने राजदूत भेजे और इसका फायदा भी मिला। मॉरिशस का जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर जो था, इसने सहायता के लिए टीपू सुल्तान को हां कर दी और कई सारी फ्रांसीसी सेना जो थी वो टीपू सुल्तान के सेना में शामिल हो गई। और यही नहीं, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी प्रजातंत्र जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। किसका? टीपू सुल्तान फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य बन गया और ये खुद को नागरिक टीपू कहने लगा। क्या कहने लगा? नागरिक टीपू। कौन? टीपू सुल्तान। भाई फ्रांसीसियों के प्रति इनका पहले से चाह था, अटैचमेंट था। और उसके बाद क्या हुआ, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने इसकी सहायता करने के लिए हामी भर दी और ये टीपू जो था ये जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया और फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य बना, उसको जैकोबिन क्लब में उसको डाला गया। लेकिन इस बात की जानकारी वेलेस्ली को हो गई थी। किसको? वेलेस्ली को। वेलेस्ली ने स्टुअर्ट हैरिस और अपने भाई आर्थर वेलेस्ली को टीपू के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेज दिया। भाई अंग्रेज थे, उनकी शक्ति मजबूत भी हो चुकी थी, अब उनको जानकारी मिलेगी तो वो अपने आप किसी को देख नहीं सकते, जिसके कारण उन्होंने, वेलेस्ली ने इन लोगों को टीपू के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा और 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो मैसूर पूरा का पूरा खत्म हो गया और मैसूर जो था वो सब आपस में बांट लिए। ठीक, श्रीरंगपट्टनम और उसके आसपास के जितने राज थे वो अंग्रेजों को मिल गए और जो बचा भाग था वो वडियार वंश का राजा था कृष्णा, उसको मिल गया और इसी के बाद मैसूर का क्या हो गया? अंत हो गया। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो मद्रास की संधि से खत्म हुआ, उसमें स्मिथ था। दूसरा जो था वो मंगलौर की संधि से खत्म हुआ, मकार्टिनी से। तीसरा जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ, कॉर्नवालिस। और चौथा टीपू सुल्तान की मृत्यु से खत्म हो गया। एक और खास बात आपको बता देते हैं, समझिएगा। ये नामक 3 चांदी के सिक्के चलवाए थे। कभी पूछा गया आबदी बाकरी और जाफरी नामक सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने चलवाया था। तो ये था मैसूर साम्राज्य और आंग्ल मैसूर चारों युद्ध थे जिसमें किसके बाद क्या हुआ, मैसूर साम्राज्य का अंत हो गया। हो सकता है जो अगला हमारा टॉपिक हो वो आंग्ल मराठा हो जाए, फिर जो हो वो आंग्ल सिख हो जाए। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसका लोग चार्ट बनाते हैं, अगर आप चार्ट बनाना चाहें तो चार्ट बना लीजिएगा। मैसूर एक तरफ, कब कब युद्ध हुआ था पहला, ठीक है, संधि कौन सी हुई थी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके। ठीक, चार संधियां हुई थी। 1769 में कौन सी संधि हुई थी? एकदम सही, मद्रास की संधि। 1784 में मंगलौर की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि। चौथी संधि हो ही नहीं पाई, टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, खाना पीना टाइम से खाइएगा। हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।